देखिए, कहते हैं कि जो अगर मन जैसा हो जाए तो अच्छा है, और अगर नहीं हो तो और भी अच्छा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये जो इतना जल्दी आ गई हूँ उसके पीछे भी कुछ और बहुत अच्छा हो जाए। अब जैसे ये आप बोलें कि हिमा जी, ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप बाहर आ जाएं, लेकिन और भी कुछ ऐसा हो जाए जो भी आप बोलेंगे, हिमा जी ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा कुछ हो जाए। सो वी नेवर नो, ये लाइफ है। मैं बोलती हूँ कि मैं चाहती थी बिग बॉस में जाना, लेकिन मैं बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट बनी हूँ। मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिना किसी सपोर्ट के एक नॉर्मल लाइफ जीने वाली लड़की हेमा, जिसके ना आगे है ना कोई पीछे है, मतलब बच्चे हैं, बट फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है सेटअप। नॉर्मली सुबह शाम वही नॉर्मल रोटी खाने वाली लड़की अचानक से बिग बॉस के कंटेस्टेंट बन जाती है, कंट्रोवर्सी होने के बावजूद। एक साल के अंदर वो अपने ऊपर इतना मेहनत करती है, ज़मीन से जुड़ के मेहनत करती है। कोई फिल्म भी उसने नहीं किया, कोई टीवी सीरियल भी उसने नहीं किया, बस ज़मीन पर जाके जो लोग ज़मीन पर बैठे उनके साथ बैठ के बातें की और जनता बनी, और देखिए मैं बिग बॉस में पहुंच गई। तो ये भी तो एक अचीवमेंट है ना, कि जो मैंने मेहनत की वो रंग लेकर आई। जिनके साथ में थी, जिनके साथ में पार्टिसिपेट करी थी, या बाकी जो कंटेस्टेंट थे वो सब टीवी आर्टिस्ट थे, तो मैं थी, रजत थे। तो हमारे जैसे जो लोग हैं वो हम जो पहुंचते हैं अपनी लाइफ की कहानी के साथ पहुंचते हैं, ना कि हम इस टीवी सीरियल का फेस है या हम इस फिल्म का फेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर आज बिग बॉस में पहुंची तो ओनली बिकॉज ऑफ मेरी लाइफ की कहानी के ऊपर, कि इसकी लाइफ की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है। तो मैं भैया खुश हूँ, आई एम हैप्पी कि मैं वहाँ गई। 12 दिन, एक दिन जाते हैं बिग बॉस के घर में, वो भी झंडा गाड़ते हैं, लिख देते हैं कि भैया एक दिन मैं रह के आया। मैं 12 दिन रह के आई हूँ, एक एक चीजें देखी हैं, साफ भी करके आई हैं टॉयलेट, ऐसी बात नहीं है। हेमा जी, आपने जब कंट्रोवर्सी आपकी क्रिएट हुई थी, तभी आपने कहा था, हाँ मनीषा रानी जैसे लोग जा रहे हैं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है बिग बॉस में जाने की। लेकिन अब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी, तब आपने हाँ क्यों कहा, जब आपने पहले मना किया था कि आपको नहीं जाने में इंटरेस्टिंग है इंटरेस्ट है। इसी कंट्रोवर्सी को लेकर मैं और जोड़ना चाहूंगी कि आपने सलमान खान को लेकर भी बहुत सारी नेगेटिव चीजें कही थी, तो फिर ये अपॉर्चुनिटी कैसे? यस, देखिए ऐसा है कि OTT 3 के लिए मेरी बात चली थी, जो अनिल कपूर जी कर रहे थे, और उसमें भी इसलिए गई थी कि चलो भैया उसमें सलमान जी नहीं कर रहे तो क्या पता मेरा हो जाए। तो मैं जब गई तो वहाँ पे उनको लगाया लड़की के अंदर दम है, इसको OTT के लिए नहीं रखते हैं, इसको कलर्स के लिए रखते हैं। ये बात है मे की, मे से मेरा जो सफ़र रहा है पूरे 6 महीने रहा है, और 6 महीने में हमेशा मैंने, जब भी मैं इंटरव्यू के लिए गई, कभी भी किसी को निराश नहीं किया। दूसरी बात मनीषा रानी की, आई थिंक मनीषा रानी के बारे में मैंने अगर कभी बोला हो, क्योंकि मनीषा से मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं, मैं मिली भी नहीं हूँ सामने से, और मुझे पता भी नहीं वो क्या करती हैं, मतलब करती थी, अभी तो भगवान की कृपा से शी इज़ डूइंग रियली गुड। मनीषा के ऊपर कभी मैंने अगर बोला हो तो मेरे को सोच में मैं पड़ जाऊंगी कि मैंने क्यों बोला होगा। रही बात सर की, सलमान सर की, तो भैया उनसे तो मैं मिलना चाहती थी, इसी चक्कर में तो दबंग तेरी कर ली हमने और फिर भी नहीं मिले। लेकिन भैया क्या करे, प्यार इतना, सम्मान इतना है, और बिग बॉस में जाना है, अपनी कहानी बतानी है, तो बिग बॉस बिगेस्ट रियलिटी शो है, तो जब कुछ करना है तो बिगेस्ट ही करते हैं। अब बिगेस्ट में भाईजान भी आ जाते हैं, हमने तो अनिल कपूर जी वाला किया था, हम तो डर भी रहते कि हमारा तो होगा भी नहीं। लेकिन जब आपकी नीयत साफ होती है, जब आप मेहनत करते हैं, ईमानदार होते हैं, तो वो चीज़ मिल जाती है। हम तो बात सेल्फी के कर रहे थे, हम तो बराबर में खड़े होकर बातचीत करके आए हैं, हम तो रह के आए हैं और हिस्ट्री बना दी है। तो जो आपने बात बोली है वो प्री प्लानिंग कुछ भी नहीं था। आज अब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अब मैं यहाँ पे किसी और का नाम बोल दूँ तो भैया वही अपलोड हो जाएगा, फिर कभी जब दोबारा इंटरव्यू होगा तो उसके शख्स के बारे में बोला जाएगा, तो वो इंटरव्यू भी वैसे ही था, वीडियो थी वायरल भाभी की बात की, लेकिन वहाँ पे जिक्र आ गया दबंग तेरी का, और वो किस्से का, वो हमने बता दी हकीकत जो हुआ था, उसमें हमारे आँख में से आंसू भी निकल गए, वो अपलोड हो गया, तहलका मच गया। तो हमको तो ये बोला था कि अब तुम्हारा करियर खत्म, मैंने बोला था, मैंने कहा भैया करियर मेरा सलमान खान ही बनाएंगे, और उस बीच में मैंने कोई काम नहीं किया। लेकिन आपने उस इंटरव्यू में आपने कहा था कि उनके बाउंसर ने आपको मिलने हाँ, नहीं दिया, exactly, हाँ, तो जो अभी आप अंदर थे बिग बॉस में, तो आपने सलमान सलमान से बात शेयर किया? हाँ, नहीं की ना, क्योंकि
सलमान जी ने पूछी नहीं, तो जब सलमान जी ने पूछी नहीं तो मैं होती कौन हूँ ये बात सामने से रखने वाली। सलमान जी को तो जब मैंने बोला मैंने दबंग थ्री किए, तो उन्होंने बोला अच्छा दबंग थ्री किए आपने, तो जब उनको यही नहीं पता तो वो मुद्दा क्या पता होगा। लेकिन आपको लगता है कि आपने जो एक्सपेक्ट किया था वही आपके साथ स्टेज पर हुआ, आपके साथ जस्टिफाई हुआ? आपको लगता है प्रीमियर वाले एपिसोड में आपके साथ जस्टिफाई हुआ? आपने जो बाहर बातें की थी कि सलमान खान आपसे बात नहीं कर रहे, मिले नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन हमें एज अ व्यूअर हमें नहीं लगा कि आपकी बातों को सुना भी गया है वहां पर, लेकिन आपको क्या लगा हुआ वहां पर आपके साथ जस्टिफाई हुआ स्टेज पर? हाँ, मुझे मुझे ऐसा लगता है सलमान जी मेरी जो बातें मैं कह रही थी बराबर सुन रहे थे, इसी चक्कर में तो उन्होंने मेरा मुझे पूछा कि अच्छा ये बताइए आपका नाम क्या है, आप हैं कहाँ से, फिर उन्होंने शादी वाली बात भी मेरी पूरी बराबर से सुनी है, तो उन्होंने पूरा अटेंशन दिया है। बात यहाँ तक की आई है कि आप तो बड़ी सुंदर है, आप कैसे बोलती हैं, तो आई थिंक मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से हुआ था। क्लिप क्या गई है इंट्रोडक्शन में मुझे पता नहीं, वो मैंने देखी भी नहीं है। मैंने उनके साथ डांस भी किया, मतलब मैंने बोले तो उन्होंने मुझे पूछा वायरल भाभी बन के जा रही है, आप वायरल भाभी क्यों है, तो मैंने बताया। अच्छा अब बात बच्चे की आती है, फैमिली मेम्बर कौन है, कहाँ से हैं आप, सारी बातें आई हैं। अच्छा खासा मेरा इवन मेरी सिंगल एंट्री हुई है, जबकि दो दो लोगों की हुई थी, बट आई एम ब्लेस्ड कि मेरे अकेले की हुई है। मैंने क्या वायरल भाभी बनके क्या क्या करेंगे अंदर, खाना बनाएंगे तो कैसे करके, करके दिखाइए, मैंने करके दिखाया। झाड़ू लगाएंगे तो कैसे करेंगे, करके दिखाइए। अच्छा जिम करेंगे साड़ी पहन के तो करके दिखाइए। आई डिड एवरीथिंग एंड ही वाज वेरी हैप्पी, और बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन हुआ, और इवन यहाँ तक भी हुआ कि मैंने बोला कि हाँ कि मैंने सुना आप लक्ष्मी हैं, आपके पैर लक्ष्मी हैं, मैंने कहा हाँ ऐसा बोलता है, फिर मैंने अपने पापा की स्टोरी सुनाई, ऐसा वो सब बोले अच्छा ओके उनको कुछ मान के आप, मैंने सुना आप हेमा मालिनी जी के आपको पसंद है हेमा मालिनी आपके, कहीं मैंने इंटरव्यू में सुना था, तो मैंने कहा मेरा नाम भी हेमा, सो थैंक यू टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने मेरा ही नाम हेमा रखा, तो बड़े खुश हुए। तो मेरा बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन उनके साथ हुआ है इंट्रोडक्शन इस पर स्टेज पर, बट ये वाली बात कहीं नहीं हुई कॉन्ट्रोवर्सी वाली। जब अगर वो पूछते तो मैंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें बताई हैं मैं वो भी बताती कि सर मैं सिर्फ आपसे मिलना चाहती थी। मतलब ये है कि सलमान सर तक जो बात पहुंचती है मतलब उनको पता ही नहीं था, और कहीं ना कहीं आपको भी ये लगा कि सलमान खान की इमेज को लेके आप मतलब आपको लगा कि गलत है सलमान खान की। सलमान जी खान जी की इमेज को लेके मैंने कभी किया ही नहीं, उनके जो आसपास रहते हैं उनके बारे में मैंने हमेशा बोला। सलमान जी को मैंने कभी सलमान जी मैं तो ना बस सलमान जी ने मेरे को धक्का मारा, ये तो फिर जब थंबनेल बनते हैं तो भैया फिर गर्दन यहाँ सलमान जी का एक थंबनेल लगाया हुआ है उनके हाथ में, तलवार है मेरी गर्दन है, बताओ भैया इतना खतरनाक कर दिया तुमने कांड, उसको देख के मैं डर गई कि बताओ यार खौफ खौफ सलमान खान, अरे भैया मगर सही से लगा लेता यार। तो चीजें आपको पता है कैसे निकलती है, क्या बोलते हैं और क्या निकल के आती है। बॉस जर्नी की अगर मैं बात करूं तो आपको लगता है जिस तरीके की पर्सनालिटी आप है जो अभी तक हम जान पाए हैं, अगर आप इंडिविजुअल गेम खेलती तो शायद अभी तक घर में टिकी रहती, भेड़ चाल में चलने की वजह से आप जल्दी घर से बाहर आ गई? नहीं, भेड़ चाल तो मैंने कभी चली नहीं क्योंकि मैंने कभी इधर की उधर की नहीं, मैं इसके साथ बैठी इसकी सुनी, इसके साथ बैठी इसकी सुनी, अरे भैया इसको भी खाने की पड़ी है, इसको भी खाने की पड़ी है, और वहाँ पे ना ग्रुप बना लिया। क्योंकि मैं अपनी इंडिविजुअल लाइफ बाहर से खुद जीती हूँ, ना मायका है ना ससुराल, मैं अपना डिसीजन खुद लेती हूँ, अपनी लाइफ खुद चलाती हूँ, तो मैं मेरा वही है कि जो मेरे को सही लगा मैं इसके पास जाके बैठी। वहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रुप चल रहे हैं, ग्रुप चल रहे हैं, अब किसको नॉमिनेशन डालना है, यार इसका ये ठीक नहीं है, तो अगर तुम ये आपके साथ है तो आपका झगड़ा होगा तो ये साथ में आएंगे, तो भैया जब यहाँ तुम्हारे ग्रुप चल रहे हैं मेरा तो झगड़ा किसी से नहीं है तो मैं फटे में टांग क्यों अड़ा हूँ। जब मेरी बात आई, जब मैंने सोचा कि इनकी तो ईगो ही खत्म नहीं हो रही है, राशन ही नहीं मिल रहा है, ये कौन है पकड़ के सॉरी बोल रहा है, वो बोल रहा है मेरी ईगो खत्म नहीं हो रही, जब मेरा पारा फूटा, अरे भैया तुम लोगों ने कमाल कर दिया, खाना 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 खाना, उसको राशन क्या मिला, उसको लगा मैंने संसार जीत लिया, मुझे भी खाना मिला था, मेरे भी अंदर भी लालच आया था, लेकिन बाद में वो खत्म हो गया अगले दिन ही कि भैया अब जेल से बाहर निकालो, राशन पकड़ो, मुझे जेल से बाहर निकालो। बट आई थिंक अविनाश ने वो कैरेक्टर बहुत सीरियसली ले लिया। मैं बाहर लोगों को खाना बांटती हूँ, और जब मैंने एक ही दिन जब मुझे लगा मेरे अंदर पावर आ गई है, अब मैंने एक दिन खाना कंट्रोल किया तो मैंने देखा यार भूखे मर रहे हैं वो, तो आपस में अरे यार आज खाना कम मिला, मैंने कहा भैया मैं खाना कम नहीं दे सकती, ये खाना लो, बिग बॉस ने खाना खिलाने के लिए ही भेजा है, अगर मैं आप लोगों का बिग बॉस को खाना दिया हुआ आप लोगों को नहीं दूंगी तो ये गलत बात होगी, गेम अपनी जगह खाना अपनी जगह। तो मैंने मन कहा आज क्या बनाना है, राजमा, हाँ भैया राजमा लो। तो फिर जब चाहत को खाना बनाने नहीं दिया जा रहा था तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? अब मैं इसकी बात बताती हूँ, क्योंकि
अविनाश के पास मैं और चाहत खड़े थे और ये अविनाश ने प्रवोक किया चाहत को। चाहत के दिमाग में नहीं आया ये ब्रिलियंट आइडिया, मैं आपको बता देती हूँ। चाहत ने बोला मैं आप दोनों को खाना देता हूँ, 1 किलो आटा मैं आधा पैकेट देता हूँ, 3 रोटी तेरी 3 रोटी इसकी, आलू देता हूँ, सब्जी बनाओ, ये रही गैस, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कोई अगर रोक ले। तो मैंने भैया अभी तो मेरा चल रहा, बाद में सोचूंगा, लेकिन चाहत ने ले ली वो बात सीरियसली, चाहत ने जाके कर दिया कांड। तो जब चाहत कर रही थी और जब ये मुझे पता है कि ये सेम लाइन मेरे सामने भी बोली गई है, तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि भैया एक्टिंग हो रही है, क्योंकि अगर इसका खुद का ओन आइडिया होता तो शायद मेरा आउटपुट निकल के आता। कितना वैलिड लगता है कि किसी के लिए भी खाना नहीं बनाना चाहिए। बिग बॉस ने अभी तक के चूल्हा किसी का बंद नहीं किया, जिस तरीके से आप लोगों ने सब लोग चूल्हा बंद करवा रहे हैं, सबका खाना बंद करवा रहे, बट सामने वाला लोगों को दे रहा है खाना, एक एक ही लोगों को, भले ही उसके फेवरेटिज्म को दे रहा है वो, लेकिन वो दे रहा है। लेकिन वो कौन होते हैं बोलने वाले कि चूल्हा नहीं जलेगा। और लड़कियों के लड़की के साथ जो बिहेव किया गया है वहाँ लगता है कि जस्टिफाइड था। जो बोलती है कि वो अनसेफ फील करती है अविनाश के साथ, लेकिन जो चुम ने अग्रेशन उसके साथ दिखाया चाहत के साथ, आपको कहाँ तक कि वो सही लगा कि वो चुम सही थी अपनी जगह पर? यहाँ पे जो है ना टाइम कोड पे पावर मिली थी कि वो जो बोलेंगे वी हैव टू फॉलो दैट रूल, ठीक है। तो उसमें हम 17 लोगों ने, जितने भी लोग थे 16 लोगों ने साथ में ये डिसीजन लिया था कि ठीक है अब खाना जब बनेगा, जब सीधा 18 लोगों का बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। लेकिन ये टाइम कोड का डिसीजन नहीं था, टाइम कोड को लोगों ने मैनिपुलेट किया था। अगर आपने देखा होगा तो लोगों ने बोला था, कंटेस्टेंट ने बोला था, लेकिन 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 बात तो हुई थी ना। हाँ। चाहे मैनिपुलेट से हुई हो, चाहे दिमाग से हुई, चाहे दिल से हुई हो, बात तो हाथों गर्दन तो हिली थी ना कि हाँ भैया यही डिसीजन है। उसके बाद चाहत ने ये स्टेप लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अगर आपने 10 लोगों के बीच में एक बात कही है और आप उनके अपोजिट जा रहे हो, गेस्ट जा रहे हो, तो फर्स्ट यू हैव टू एटलीस्ट इन्फॉर्म देम कि देखो भैया ऐसा मेरा हो गया तुम लोगों के साथ, अब मैं ये रास्ता पकड़ रही हूँ, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। उसने क्या किया, उसने बताया नहीं, वो सडनली वो चालू हो गई। अब मुझे पता था कि ये जो कर रही है ये सेम लाइन अविनाश ने बोली है, तो ये अविनाश से इंस्पायर्ड हुई है। अभी क्या हुआ, अभी तक तो पहले अविनाश दुश्मन था इसका, क्योंकि चाहत पांडे ने ये किया वो किया, लेकिन जब से अविनाश अंदर गया भैया इनकी दोस्ती ज्यादा ही गहरी हो गई, मुझे समझ नहीं आया। तो ये भी क्या मसला है समझ नहीं आया मुझे, चलो वो भी ठीक है। तो तुम जो ये आइडिया कर रहे हो ये तुम्हारा खुद का क्रिएट किया होता तो मैं थी जो सिर्फ मुझे पता है कि ये मुझे भी बोली गई थी, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैं वो इतनी नहीं थी। और मैं सबसे ज्यादा तो उसी ने सुबह खाना खाया था, खिचड़ी भी खाई थी, वो शिल्पा जी भी खिचड़ी खा ली थी, एप्पल भी खा लिया था, चलो फिर भी भूख लग गई, कुछ लोगों को लग जाता है, वो टेंशन नहीं है। लेकिन वो बोल देती देखिए ऐसा है सर, जो भी अपना आरफिन जी, अब मैं ये अपना रविनाश से खाना ले रही हूँ, मैं बना रही हूँ, आई होप इसमें से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बिग बॉस का घर है, इंडिविजुअल राइट है गैस बना खाना बनाने का, चूल्हा ऑन करने का। तो जो बातें चिल्ला चिल्ला के बोली गई और जो वो आह आह कर रही थी, मैं आपको बता देती हूँ उसमें चोट चाहत को नहीं लगी थी, चुम को लगी थी, ठीक है। तो वो तो थोड़ा आवाज ज्यादा हो रहा था, अब पता नहीं भैया वो ड्रामा था कि सच था, लेकिन मैं बस उसको ये देख रही थी कि भैया ये लाइन मुझे अभी तो साथ में दोनों खड़े थे, इसने मान ली, मैंने मान ली नहीं, मानी नहीं, ये फर्क है बस। अगर मैं ये मान लेती तो ये मेरा मुंह देख रही होती और ये मेरे हाथ में होते। आपकी अच्छाई आपको लेकर डूबी, कहाँ डूबी बताइए, क्या डूबा मेरा? आप जेल में रहे एक हफ्ते, तो जेल में रही तो मेरा इमोशनल आया ना बाहर। लेकिन जेल में रहकर आप ज्यादा पसंद किया बाहर आने के बाद। अब मैं आपको बताती हूँ कि जितने लोग उतनी अलग अलग बातें, अभी इन्होंने बोला आपकी अच्छाई आपको जेल में लेट होगी, अभी इधर से बोली मतलब अरे प्यार से बात कर रही हूँ, ये तो मैं जो है ना आपकी बात का जवाब दे रही हूँ, मुस्कुराते ऐसी कोई बात नहीं, टेंशन वाली। अब इधर से आ रहा है कि जब आप जेल में थी तो ज्यादा बढ़िया था, अच्छा तो तू जेल में रह लेती, ये बात आ रही है मेरे अंदर। तो ये जो है ना जब ये वाले वीक में, तो मैंने अपनी बलि वापस से चढ़ाने के लिए तैयार भी हो गई थी, जब राशन की बात थी अविनाश के चक्कर में, मैंने कहा गॉड टाइम को बोला, टाइम गॉड को, मैंने कहा मैं चले जाती हूँ पर मेरे को लिखित में दे दो कि मेरे को इस बार जल्दी निकाल लेना गारंटी के साथ। बग्गा को मैंने शामिल कर लिया, मैंने कहा बग्गा हम चले जाते हैं, बग्गा बोला नहीं यार फिर तू रोती है जेल में, फिर मुझे बुरा लगता है। मैंने कहा भैया अगर अविनाश चला गया ना तो माँ कसम राशन के चक्कर में हमें राशन ही नहीं मिलेगा। और वही बात हुई जो मैंने सारा को बोला, मैंने कहा अविनाश नहीं जाना चाहिए, देखना एक एक आटे के दिक्कत हो जाएगी। तो ये बात हुई थी, विविन भाई ने भी मेरे को पूछा जी जी आप जेल में जाना चाहती हूँ, मैंने कहा भैया जाना तो चाहती हूँ पर बिग बॉस से इस बार पहले आदेश करा लेना, बहुत लंबा टाइम लेते हैं भाई वो। लेकिन ये जो आप बोल रहे हो बाहर आने के बाद, मैं दो दिन मैंने थोड़ा सा लोगों को समझने की कोशिश की, क्योंकि जेल में थी तो वो लोग मेरे पास आते थे, मैं बाहर नहीं आती थी। तो 2 दिन मैंने थोड़ा समझा, पूरा घर समझा, और वो जो मैं यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हो गया था मेरा,
जेल के अंदर लास्ट जिस दिन मैं निकली, मैं उस दिन बहुत लिटरली हो गई थी, तो उससे भी थोड़ा सा मैं बाहर आई कि यार मैं पर्सन बाहर से मैं ऐसी आई थी जूझते हुए, यहाँ पे भी मेरे साथ हो गया, ये क्या समझ नहीं आया। दो दिन मैंने लिया लेकिन उसके बाद आई बिकेम नॉर्मल। लेकिन शायद मुझे ऐसा है कि कुछ चीज़ें शायद नहीं दिखाई गई हैं, मुझे ऐसा मन में है। आपको लगता है आपकी जगह, आपको कौन लगता है कि आपकी जगह निकलना चाहिए था? अरे आने के बाद आप किसे सपोर्ट करेंगे? मैं सपोर्ट मैं अपने आप को ही करूंगी। देखिए सीधी सी बात है, इस सब का जवाब जो है ना आप दोनों के, आप सबके पास है कि भैया हेमा जी तो फिर भी कुछ कर रही थी, जो नहीं कर रहे थे वो घर के अंदर क्यों हैं, और हेमा जी इतना सब कुछ कर रही थी तो हेमा जी घर के बाहर क्यों है। तो मुस्कान, मुस्कान और बग्गा जी, सीधा सीधा घर वालों का फैसला था कि अगर कोई घर से जाएगा तो या तो मुस्कान जाएगी या बग्गा जी जाएंगे। हेमा जी, हेमा तो जाना डिजर्व ही नहीं करती है, क्योंकि सबके साथ मेरा जो बॉन्डिंग था, कोई मुझे ना नॉमिनेट करता था ना कोई मुझे टारगेट करता था, और वो इसलिए नहीं कि मैं गुड बुक्स में थी, वो इसलिए क्योंकि मैं इक्वल थी। मैंने कोई पार्शलिटी नहीं की, मैंने किसी के पास जाके वो ऐसे ऐसे कर रहा है वो ऐसे ऐसे कर रहा नहीं, मैं यहाँ बैठी तो इसकी, यहाँ बैठी तो इसकी, बिकॉज आई वॉज सो रियल। तारा ने कहा कि सलमान को टारगेट कर रहे हैं, जो वीकेंड के बार में जब सब सर समझा रहे थे लगातार कि कोच कोई अच्छी सोच रखनी चाहिए, उनको समझना चाहिए, आप वो कैसे देख रहे हो? वो समझ ही नहीं पा रहे थे, सलमान सर का सिर्फ ये था कि भैया मुझे सीधा सीधा बताओ कि आपका काम कैसा है, आपका ये जो प्रोसेस है ये कैसे समझिए, पब्लिक जो आम जनता बैठी है जिनके पास कम दिमाग है इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, ठीक है, तो उनको कैसे समझ में आया कि आरफिन का ये काम है, ये प्रोफेशन है। सीधे सीधे चार लाइनों में समझाओ, लेकिन वो समझाना इतना ज्यादा हो गया कि भैया जो थोड़ा बहुत समझते थे हम वो भी भूल गए। हाँ सही बात है, क्योंकि जैसे उनको दिखता है ना कमजोर लग रहा है, रो रहा है, अरे तू रोना, रो नहीं सकता, तू वीक नहीं है, तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये बिल्कुल नो 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 नो, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दिस। हमें लगता है भैया कितना अच्छा आदमी, मेरे को भी लगा है ऐसे, मेरा बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। और रजत का क्या, और रजत का भैया चौड़े में आ जाओ, तसल्ली कर लो, पाड़ लो, उखाड़ लो, उसका वही खत्म नहीं होता भैया। टेलीविजन शो करना पसंद करेंगे आप आने वाले दिनों में, अगर आपको मौका मिलता है कलर्स के द्वारा देखो ऐसा है कि मेरी जनता है बहुत नाराज, और कोई भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हेमा बाहर आना डिजर्व करती है, वो भी फर्स्ट कंटेस्टेंट। और भैया सीधी सी बात है, जो घर में बैठे हैं वो, जब तुम वैसे भी कुछ ना करते तो बाहर ही आ जाओ ना, जब करना ही नहीं है कुछ, जो थोड़ा बहुत कुछ करने के लिए गई थी भाई, नाचना गाना, और अब तो हमने एक्शन भी कर दिया, और ऐसा एक्शन किया कि हमारी तो ओरिजिनल आवाज़ ही चलेगी, तो ये किया रियल एक्शन, इसको बोलते हैं कि जिसमें कुछ डैमेज तो हुआ, बाकी तो सब ऊपर ऊपर से कर रहे थे। तो जो आपने बोला ना, अगर ये होता है तो ये जनता अगर करेगी कि नहीं यार बिग बॉस अगर मुझे वापस से गोल्डन अपॉर्चुनिटी देते हैं, हेमा बिग बॉस चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ, जेल में नहीं बिग बॉस, जेल में नहीं, थोड़ा सा खुले मैदान में, क्योंकि मुझे अपने बारे में बताने का मौका नहीं मिला, बहुत जल्दी मैं आ गई और मैं बहुत सारी उम्मीदें लेकर गई थी, तो अगर बिग बॉस चाहेंगे तो डेफिनेटली हम बढ़िया साड़ी लेके जाएंगे फिर से। लास्ट क्वेश्चन, कल रजत और विवियन को कंट्रोलिंग के लिए बताया गया था, सबने लीडरशिप के लिए चूज किया रजत को, सब चाहते हैं कि घर का कंट्रोल होना चाहिए रजत के हाथ में। Do you think रजत तो deserving है विवियन के according? Also यहाँ पर रजत, जब उनसे पूछा गया था कि जिस तरह अविनाश ने लोगों को सिर्फ बोला था कि क्लैरिफाई करने के लिए, और सॉरी भी नहीं बोलने बोला था, और खाने के लिए बस बंद किया था, तो लोगों का इतना था, और रजत ने यही कहा था कि मैं खाना बिल्कुल भी नहीं देता, तो आपको लगता है वो हानिकारक नहीं है घर वालों के लिए और वो डिजर्विंग है कंट्रोल करने के लिए? और जबकि वोट भी उन्हीं को मिले हैं, मतलब वही जीते हैं। देखिए ऐसा है कि हर हफ्ते ना सबका हिसाब होगा और बराबर से होगा, ये कुर्सी आज है अगले हफ्ते तुम्हारी नहीं होगी, भैया तो इस कुर्सी को आज ही आज संभाल ले, या तो इसको सर पे रख ले, या तो इसको बैठ ले, या इसको इस्तेमाल कर ले, तेरे हाथ में, ठीक है। ये रजत के हाथ में भी आई है, जिन लोगों ने अब रजत को वोट दिया है, उम्मीद जो सोच के दिया है वो कितना खरा उतरेगा
मैं दोबारा बैठी हूँ, जो अंदर बैठे उनको साफ दूध का दूध पानी हो जाएगा, अगले हफ्ते उनकी आँख खुल जाएंगी और उनको समझ में आ जाएगा कि भैया अब अगली बार रजत को देना भी है या विवियन को देना है या दोनों में से किसी को नहीं देना है, कोई तीसरा उम्मीदवार खड़ा करना है। ठीक है, तो हर हफ्ते वहाँ इंसान बदल रहे हैं। लेकिन आपके अकॉर्डिंग रजत डिजर्विंग नहीं है कंट्रोल करने के लिए, आप ये बोलना चाह रहे हैं? वो थोड़ा सा ओवर कर देता है। विवियन जो है ना थोड़े से कम बोलते हैं, लेकिन आई थिंक दुनिया की समझ थोड़ा सा है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी बहुत जल्दी बोल देना भी ना, वो बोलने के लिए अच्छा होता है पर डिसीजन के लिए आई थिंक वो नहीं होता है। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आप फोटो अच्छा लेना मेरा, क्योंकि आपने सवाल बहुत पूछे हैं मुझसे। बिग बॉस, बिग बॉस हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है ये आप सबके लिए, क्योंकि हम तो वहाँ सुबह करके करते ही थे, समझे? पास्ट प्रेजेंट भविष्य, मुझे गाना याद हो गया था, मैं सिर्फ ऐसी थी कंटेस्टेंट, वो किसी को मैंने देखा रील में, मेरी आवाज़ में पूरा गाना भी लगा दिया, मेरा और बग्गा जी की आवाज़ में जब हम जेल में थे, तो ऐसा भैया सब सोते सोते रहते थे, मैं थी खाली, बस उठ के चालू हो जाती थी और मुझे फॉलो भी करते थे। तो जो इंसान सुबह उठ के स्टार्ट हो सकता है जो एनर्जी के साथ, समझ रहे हो, तो सोचो पूरे दिन उसकी क्या एनर्जी होती होगी, और वो बात अलग है, बातें ना बताई गई ना दिखाई गई, पर कोई बात नहीं, सबका हिसाब होगा, बराबर से होगा। थैंक यू, थैंक यू।